आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है, दर्शाइए कि y बराबर a गुणा cos 2x धन b गुणा sin 2x अवकल समीकरण d का वर्ग y बटा dx का वर्ग धन 4y बराबर 0 का एक हल है। तो दोस्तों, हम इसे कैसे हल करेंगे? हमें दिया गया है y का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? y बराबर a cos 2x धन b sin 2x, ये हो गया समीकरण एक लेते हैं। अब बोला गया है कि समीकरण मतलब y बराबर ये जो दिया गया है वो दिए गए समीकरण अवकल समीकरण का एक हल है। तो दर्शाना है हमें, तो कैसे दर्शाएंगे कि इस समीकरण जो दिया गया समीकरण है उसमें हम y का मान रखेंगे और यदि उसका मान रखने से यह समीकरण को संतुष्ट करता है अर्थात यह समीकरण का एक हल होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे इसके y का और उसे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं, y का यहाँ पे y का अवकलन करेंगे। तो समीकरण एक का अवकलन, समीकरण एक का अवकलन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर हमें क्या मिलेगा, dy बटा dx, उसका पुनः अवकलन करेंगे तो द्वितीय कोटि का अवकलन मिलेगा। ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर d बटा dx a cos 2x धन b sin 2x, अलग अलग हो जाएगा इसे हल करने पे। ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर d बटा dx a cos 2x धन b d बटा dx b sin 2x, हल कर देते हैं। तो dy बटा dx बराबर आ रहा है, इसका हल अवकलन आएगा दो, ये आ जाएगा a गुणा cos 2x का योग ऋण sin 2x, 2x का पुनः अवकलन करेंगे तो 2 धन, यहाँ पे क्या आएगा, b गुणा cos 2x गुणा 2x का अवकलन करने पे 2। तो हल करने पे क्या आ रहा है, ये आ गया dy बटा dx बराबर, ये हो जाएगा ऋण 2a sin 2x धन 2b cos 2x, ये आएगा, ये आ गया समीकरण दो। अब समीकरण दो का पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, समीकरण दो का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन x के सापेक्ष क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा d का वर्ग y बटा डी एक्स का वर्ग हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स का अवकलन करेंगे तो, और यहाँ से d बटा डी एक्स ऋण 2a sin 2x धन 2b cos 2x, ये है। अलग अलग करें तो d बटा डी एक्स ऋण 2a sin 2x धन d बटा डी एक्स, ये क्या है, 2b है, गुणा 2b cos 2x, अवकलन कर देते हैं तो b और a क्या है, अचर राशि, वो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे इसका अवकलन आएगा ऋण 2a sin 2x का अवकलन cos 2x गुणा 2, 2x का अवकलन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में धन, यहाँ पे क्या आएगा, 2b गुणा ऋण sin 2x गुणा 2x का अवकलन करेंगे तो 2, ये हो जाएगा अब कितना आ गया, ऋण 4a cos 2x, ऋण 4a cos 2x धन, ये क्या हो जाएगा, ऋण 4b sin 2x, ये आ गया d का वर्g y बटा dx का वर्ग, समीकरण तीन। तो अब समीकरण एक, दो व तीन से इनका मान रख देते हैं, कहाँ रखेंगे, दिए गए अवकल समीकरण में। तो यदि y बराबर a cos 2x धन b sin 2x दिए गए अवकल समीकरण का हल हो, तो अगर हल होगा तो इसे अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो अवकल समीकरण का बायां पक्ष लेने पर क्या है वो देखिए, यह d का वर्ग y बटा dx का वर्ग धन क्या है, 4y। अब यहाँ पे बायां पक्ष रखते हैं और उससे दायां पक्ष प्राप्त होना चाहिए, मतलब शून्य आना चाहिए इसका हल। तो देखिए ये हो जाएगा क्या आ रहा है, ये ऋण 4
देखिए क्या है इसका मान समीकरण तीन से, ऋण चार ए कॉस दो एक्स, ऋण चार ए कॉस दो एक्स, ऋण चार इसी का मान ऋण चार गुणा बी साइन दो एक्स, ये है धन चार गुणा ये क्या है y का मान a cos 2x धन b sin 2x, ये हल कर देते हैं इसे, तो ऋण 4a cos 2x ऋण 4b sin 2x, ये हो जाएगा धन 4a cos 2x और धन 4b sin 2x। तो ये देखिए आपस में कट गए ये सभी, तो क्या आएगा इसका मान शून्य, जो कि इसका दायां पक्ष है अवकल समीकरण का, तो मतलब ये अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए यह इसका मान बराबर आ गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि y का मान दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।